हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है WTS क्लास में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 5 लेसन 1 साइंस, चैप्टर नेम एनिमल्स, आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से कोविड-19 का हमला हुआ है, तब से सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। हम सभी को इसका पालन करना है और हम सभी को घर बैठे ही पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए हमने ये चैनल शुरू किया है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पढ़ाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू सर। एनिमल्स, हम सभी जानते हैं एनिमल्स क्या होता है। एनिमल्स एक लिविंग बीइंग है जिसको नेचर ने हमें दिया है। हम इन ह्यूमंस भी एनिमल्स होते हैं, सोशल एनिमल होते हैं वो। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे हैबिटेट के बारे में, टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैबिटेट क्या होता है? एनिमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ सराउंडिंग। दे लिव इन द एयर, माउंटेन एंड वाटर, फॉरेस्ट, डिजर्ट। क्या होता है हैबिटेट? उससे पहले जानते हैं कि एनिमल यानी जानवर जो होते हैं वो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। जानवर जो होते हैं वो हवा में भी उड़ते हैं, पहाड़ों पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, फॉरेस्ट जंगल में भी रहते हैं और डिजर्ट यानी कि मरुस्थल इलाके में भी रहते हैं। इस चैप्टर को हम लोग तीन भाग में बांटेंगे। इस चैप्टर को हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर दूसरे पार्ट में हम लोग उसके बारे में और डिटेल निकालेंगे और लास्ट पार्ट में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। इस चैप्टर के अंत में आपको MCQ क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। सो आप लोग उस लास्ट तक देखें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। हैबिटेट is an area where an animal naturally lives and grow. Habitat एक area होता है जहाँ animal यानी जानवर naturally यानी प्राकृतिक तरीके से बढ़ते हैं और रहते हैं। It is the surrounding where an animal lives and survive. या एक surrounding होता है जहाँ animal live करते हैं यानी रहते हैं और जिंदा रहते हैं। यह एक प्लेस होता है जहाँ जो जानवर होते हैं वो खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, बड़े होते हैं और प्रजनन करते हैं। ये जानवरों को सांस लेने के लिए हवा, खाना, पानी और रहने के लिए घर देता है। एक जानवर का घर उसके हैबिटेट के अंदर ही होता है। तो इन सभी बातों का क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि हैबिटेट एक एरिया होता है, एक ख़ास एरिया होता है ख़ास जानवर के लिए जहाँ वो नेचुरली रहता है और बढ़ता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे शेर के लिए जो उसका गुफा होता है वह गुफा में ही बढ़ता है, बड़ा होता है, खाता है और जंगल उसका हैबिटेट हो गया। उसी तरीके से हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट बहुत तरह के होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वह बहुत तरह के अलग अलग तरह के हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि डिज़र्ट, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में हम जैसे देख सकते हैं नदी, तालाब, झरना, समुद्र और जो भी छोटे छोटे पोखर वगैरह होते हैं वहाँ पर भी बहुत से जानवर रहते हैं। पहले बात करते हैं फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट क्या होता है? ये फॉरेस्ट जो होता है वो लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है ज़मीन का जिसमें बहुत सारे प्लांट और ट्रीज रहते हैं जो कि कवर्ड होता है प्लांट और ट्रीज। फॉरेस्ट घर यानी शेल्टर प्रोवाइड करता है बहुत सारे जानवरों को। एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे जानवर जैसे कि मंकी हो गए, बर्ड्स होते हैं वो पेड़ पे रहते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पेड़ के अंदर पाए जाते हैं या फिर पेड़ के जो ज़मीन होता है तो आप कह सकते हैं जड़ के अंदर पाए जाते हैं। रैट, रैबिट, स्नेक, अर्थवर्म वो होते हैं ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। बियर, बैट, टाइगर, लायन वो फॉरेस्ट के ही बनाए हुए गुफा में रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो गुफा होता है उसके अंदर रहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं।
अब बात करते हैं डिजर्ट के बारे में। एक डिजर्ट जो होता है वो ड्राई और सैंडी रीजन होता है। ड्राई मतलब सूखा, सैंडी मतलब बालू, रीजन मतलब जगह। तो सूखा और बलुआही जगह होता है जहाँ पे बहुत कम मात्रा में रेनफॉल होता है। एक डिजर्ट जो होता है यानी रेगिस्तान जो होता है वो बहुत ही गर्म जगह होता है दिन में, और रात में बहुत ही ठंडा जगह होता है जहाँ बहुत कम पानी पाया जाता है। यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं वो होते हैं कैमल, रैटल स्नेक, ग्राउंड स्क्वायरल। अलग तरह का हैबिटेट देखें तो फ्रेश वाटर बॉडीज, यहाँ भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर बॉडीज यानी कि पानी में रहना, पानी वाले जो सोर्स, पानी के जो सोर्स होते हैं उसमें, रिवर्स, पोंड्स, लेक्स, इनको हम लोग फ्रेश वाटर बॉडीज कहते हैं। इसके अंदर जो जानवर रहते हैं वो होते हैं फिश, श्रिम्प, क्रैब। एनिमल्स विच आर एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर इज नॉन एज एम्फीबियन। एनिमल यानी जानवर जो जमीन पर और पानी में दोनों में रहने के काबिल होते हैं उनको हम लोग एम्फीबियन कहते हैं। एग्जाम्पल होता है फ्रॉग, सेलेमेंडर्स। सी एंड ओशियन, समुद्र। ओशियन जो होता है वो लार्ज कंटीन्यूअस साल्ट वाटर बॉडीज होता है। ये भी वाटर बॉडीज ही है, वाटर बॉडीज यानी सोर्स ऑफ वाटर आप कह सकते हैं, एक तरह से सोर्स ऑफ वाटर ही है। और ओशियन जो होता है वो बहुत बड़ा पानी का बॉडी होता है, यानी पानी बहुत बड़ा जगह होता है जिसके अंदर बहुत सारे पानी होते हैं, लेकिन ओशियन के अंदर साल्ट वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जो है वो ओशियन से घिरा हुआ है। ये लार्जेस्ट हैबिटेट है, यानी ये सबसे बड़ा हैबिटेट है जो कि पृथ्वी पर पाया जाता है, और इसके अंदर व्हेल, शार्क, जेलीफिश, ऑक्टोपस पाए जाते हैं। इस दुनिया में 5 ओशियन पाए जाते हैं, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन। माउंटेन टॉप्स एंड कोल्ड पोलर रीजन, ये भी एक हैबिटेट ही है जहाँ जानवर रहते हैं। यह रीजन अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास पाया जाता है, जो कि आर्कटिक एंड अंटार्कटिका है। ये टॉप ऑफ द माउंटेन होते हैं यहाँ पर, जो कि स्नो और एक्सट्रीमली कोल्ड ठंडे होते हैं। एग्जांपल सील, वैलरस, पोलर बियर और पेंगुइन। आप देख सकते हैं ये जानवर हैं, इनके आसपास देख सकते हैं आप बर्फ है, और ये जानवर बर्फ के आसपास ही रहते हैं। तो आज के लिए चैप्टर काफ़ी है, आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसके पार्ट टू वीडियो को आप ज़रूर देखें, आप इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट टू वीडियो देखें, उस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। पार्ट टू वीडियो में हम लोग एडेप्टेशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।